गाना मालूम चल जाएगा कितनी शराब बाहर आपकी निकल रही है। साथ के साथ जो वहां से जो ट्रक जो है ये शराब को लेकर जाते हैं उनके ऊपर अगर ये ट्रैकिंग डिवाइस जो है जीपीएस वो अगर पूरी तरह से लगाई जाए तो आपको पता चल जाएगा कहां पे क्या गलत हो रहा है। हर एक इलाके के अंदर पुलिस को तो वैसे ही मालूम होता है कहां पे उल्टा पुल्टा क्या काम हो रहा है, तो ये होने कैसे दिया गया? इसका मतलब तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। साथ के साथ अध्यक्ष जी मैं ये बात पूछना चाहती हूँ मंत्री जी से कि इनकी अपनी एसआईटी रिपोर्ट ने ये कहा है, माना है कि हरियाणा के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से तस्करी हो रही है शराब की, और कहा है यहां तक कह दिया, और कि सबसे शॉकिंग बात यह है कि एसआईटी ये कहती है कि आईएमएफएल जो है वो दूसरी स्टेट से जो है वो सीज करी गई है, बिहार से 1.4 लाख कार्टन्स जो है वो पकड़े गए, उत्तर प्रदेश से 79,650 कार्टन्स पकड़े गए, झारखंड से 27,824 लीटर शराब जो है अवैध वो पकड़ी गई है, दिल्ली से 59,179 कार्टन्स पकड़े गए, छत्तीसगढ़ से 10,537 लीटर्स पकड़े गए हैं, और गुजरात से 3,131 बॉटल्स इलिसिट। तो मुझे और फिर एसआईटी ने ये कहा, एसीटी ने ये कहा है कि दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, सो इफ दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग देन यू टेल मी व्हाट इज द एक्चुअल थिंग। फिर तो अंदर तो पता होगा क्या क्या घोटाले नहीं होंगे, क्या क्या हो नहीं रहा होगा अध्यक्ष जी, ये बात मैं इनसे पूछना चाहूंगा। प्रोसीजर्स जो है इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको किस तरह से लेकर जाया जाएगा, और पुलिस का उसके ऊपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा, एक्साइज डिपार्टमेंट का क्या होगा, वो तो आपने जो है दैट हैज नॉट बीन पुट इन प्लेस, आपकी गलती नहीं है ये, मैं ये सारा कुछ करना चाहिए था जो अभी तक जो केवल बोलते आ रहे हैं, और ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है उनको प्लेस में डाला नहीं गया है। अगर ये सारे तरीके से सही तरीके से कर दिया जाए तो ये इतने सारे जो गरीब लोग हैं जो आप जो है शराब जो सही शराब जो पीना चाहते हैं वो पी नहीं सकते, इलीगल शराब पीते हैं और फिर उनकी मौतें होती हैं, परिवार जो है सारे के सारे रुल जाते हैं। तो सच्चाई ये है अध्यक्ष जी कि ये सारा का सारा ये जो है ये डिस्टिलरीज बॉटलिंग प्लांट्स और ये जो है इनके ऊपर ये सही तरीके से फ्लो मीटर्स आपके काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इसकी भी बात बताइए, जीपीएस आपने क्यों नहीं लगाया है ट्रकों के ऊपर ये आप बताइए, और ये बताइए कि इतनी सारी फॉरेन मेड लेकर बाहर पकड़ी कैसे जा रही है, ये कहीं ना कहीं से तो निकल रही है। आप कह रहे हैं कि आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लगा दिए हैं, तो ये कैसे तस्करी हो रही है? इसका मतलब हाथ इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मछलियों का है और उन बड़ी मछलियों के ऊपर आप हाथ नहीं डाल पा रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। एक मिनट मंत्री, माननीय सदस्यगण, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय खुंगा कोठी जिला जींद के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की ओर से इनका स्वागत करता हूं। हाँ जी स्पीकर सर, काफी प्रश्न पूछे हैं और सब कहना चाहता हूं। धनोरा में फैक्ट्री बनी है, ये 23 अक्टूबर 2023 को बनी और 8 नवंबर को ये पकड़ी गई। ये गन्नों के खेत के अंदर जाके किसी ने बनाई हुई थी और उस हमने हर इसके फैक्ट पर कार्रवाई की है। जहां तक सीसीटीवी कैमरों की बात है, कुंडू जी ने कहा वो 2021-22 से लग चुके हुए हैं और क्यूआर कोड अब हमने लगाना शुरू कर दिया। जहां पर इन्होंने कहा है कि भाई कोई बड़ी मछलियां हैं और उनको नहीं पकड़ रहे हैं, तो वो भी मैं बताना चाहता हूं। इसका जो मुख्य आरोपी है मांगेराम, वो हुड्डा जी की पार्टी का प्रदेश का डेलीगेट है कांग्रेस पार्टी का, और जो दूसरा अभियुक्त है, फैक्ट की बात बता रहा हूँ, अपराधी है कांग्रेस का, तेरी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, किसी पार्टी का हो, आप पूछा जा रहे हो, व्हाई यू आर नेमिंग मी, इतना तो सहन करना चाहिए। जब पूछा जा रहा है नेम नहीं ले सकते, हाउ कैन नेम मी, जब पूछा जा रहा है जो हुड्डा जी का नाम
वो निकाल दें इसमें शब्दों में से। चलो कांग्रेस पार्टी का अब ठीक है चलो। और दूसरा व्यक्ति जो गौरव गुप्ता है, दूसरा व्यक्ति कुलदीप जी, दूसरा व्यक्ति जो गौरव गुप्ता है लकी हाजी, उसके पिताजी राजकुमार ने इनेलो की टिकट से रदौर से चुनाव लड़ा 2014 में। तो ये है, मुझे ये नहीं पता, मुझे रिकॉर्ड की बात पता है कि 2014 में वो आपकी पार्टी से लड़ा या नहीं लड़ा, आप बताओ आपकी पार्टी से लड़ा या नहीं लड़ा, ये बताओ आपकी पार्टी से लड़ा या नहीं लड़ा। तो वही लोग कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं भाई। आपकी पार्टी से लड़ा या नहीं लड़ा, आपने टिकट दी थी नहीं दी थी, दी थी ना। चलिए ये माननीय सदस्यगण, धन्यवाद आपका, धन्यवाद माननीय सदस्यगण। अब माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2019-20, 2021 तथा 21-22 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों से अधिक मांगों का नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। हाँ जी, जवाब दे दिया उन्होंने, दे दिया जवाब, ये बहस ने जो उनके पास जवाब था दे दिया, जो उनके पास उत्तर था उन्होंने जवाब दे दिया, नहीं जवाब जो उनके पास था उन्होंने दे दिया। अध्यक्ष महोदय, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी माननीय मंत्री को कंपेल नहीं कर सकते, जो उन्होंने जवाब दे दिया जो उनके पास था। हाँ जी अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों से अधिक मांगों को नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ। माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2019-20, 2021 तथा 21-22 के लिए अनुदानों और विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथा अनुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड्स एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्य किसी भी मांग पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उनसे अनुरोध है कि वे उस मांग संख्या को इंगित करें जिस पर वे चर्चा करना चाहते हैं। ये श्रीमती गीता भुक्कल की जी की तरफ से आया, डिमांड नंबर 17 एंड डिमांड नंबर 20 के ऊपर, और बीबी बत्रा जी की तरफ से आया 23 और 24 के ऊपर। तो लिख करके दीजिए कौन से पर बोलना चाहते हैं। है जी, नहीं ये लिखा आई वांट टू स्पीक टू डिमांड्स 23-24, ये आपने लिख करके दिया, कोई और गलती लिख, इसमें और कुछ नहीं लिखा हुआ, जो लिखा हुआ मैंने पढ़ दिया। मैं बोल दूंगा, ये 17-18 पे और 20 पे बोलूंगा। हाँ जी, 17 और 20 लिख रहे हैं जी, मैं बोलूंगा जी। 23-24 नहीं है, 23-24 डिमांड ही नहीं है जी, 17 और 20। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि साल लिखा था जी, और कोई बात। ठीक है, गीता भुक्कल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। डिमांड नंबर 17 पर, जो कि बिल्डिंग एंड रोड्स को लेकर है, उसमें अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध है कि वैसे तो पूरे प्रदेश में, लेकिन झज्जर में विशेष तौर से, हमारी जो एक खोरड़ा रोड है कि केवल मात्र 600 मीटर का टुकड़ा है, काफी बार उस पर ट्रक पलट जाते हैं, माननीय हाईकोर्ट द्वारा उसका संज्ञान लेकर उस पर ऑर्डर भी पास कर दिए गए, आज तक उस सड़क का निर्माण नहीं हुआ। और एक बहु गांव में खेड़ा थ्रू की ओर जाती हुई, जो कि कई बार सदन में बताया गया कि मंजूर हो गई है, उस सड़क के ऊपर बहुत बड़े झील टाइप वो सड़क हो गई, आज तक उसका समाधान नहीं हुआ है। और झज्जर शहर को लेकर अध्यक्ष महोदय कई बार चर्चा हुई है, मैं आपसे केवल एक अनुरोध करना चाहती हूँ। हमें ये कहा गया था कि गढ़ों में कैमरे घुसा घुसा के आपने सड़कों में फोटो खींची है, अब उन गढ़ों को पूरे शहर को खोद कर डाल दिया गया है, तो उसको टेकअप करें,
गड्ढों को भरने की बजाय पूरी शहर की सड़कें खोदकर गिरा दी गई हैं, तो मैं एक मेरा अनुरोध ये है कि हमारी खुरड़ा गांव की और बहुवली जो है और शहर क्या कारण है कि जो कि पूरे के पूरे खोद दिए गए हैं। दूसरा मेरा अध्यक्ष महोदय जो डिमांड नंबर 20 में लेकर है कि लोकल बॉडीज के तहत हमने जब बार बार कहा ब्यूटिफिकेशन एंड रेनोवेशन ऑफ द पार्क, पार्क में ये बताया गया कि 25-25 लाख की राशि मंजूर हो गई है, बल्कि मंजूर होने की बजाय सर वहां पर पूरी तरह से तहस नहस हो गए। हमारे श्रीराम पार्क जो स्वतंत्रता सेनानी पार्क था उसको तोड़कर प्राइवेट लोग उस पर कब्जा करना चाह रहे थे, तो मेरा आपसे अनुरोध है उसमें गंभीरता से इसको टेकअप किया जाए और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हुए सीसीटीवी कैमरास हॉस्पिटल्स में लगा दिए जाएं, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में जब एक पत्रकार गया उनकी डेथ हो गई, कैमरे में रिकॉर्डिंग इस बात की नहीं मिली, बार बार परिजन ये कहते रहे, संजय थरान एक पत्रकार था, कि उसको डॉक्टर जाकर देख लें, और सर वो उसको देख नहीं पाए। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जो हमारे रोड्स की बद से बदतर हालत है, बस स्टैंड की बद से बदतर हालत है, और खोरड़ा और बहू की जो रोड की स्थिति है उसको काइंडली आप अध्यक्ष महोदय उसको देखने का काम करें। और साथ ही साथ में इसमें हमारे विशेष तौर से जो मैंने झज्जर हॉस्पिटल में की गई जो अनियमितताएं हैं उस पर ध्यान में रखते हुए जो सीसीटीवी कैमराज लगे हैं वो वर्किंग हो, ताकि सभी को न्याय पूरी तरह से मिल सके। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में ये कि रोड लोग जाम करते हैं, काफी सारी डेथ हो जाती है, तो हमारा ये अनुरोध है कि इस चीज पर ध्यान दिया जाए, जो सीसीटीवी कैमरा लगे हों वो अच्छे ढंग से वर्किंग हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आफताब जी। सर मैं अपनी डिमांड में अर्बन लोकल बॉडीज की और शिक्षा की दो डिमांड है सर। सर मैं अपनी डिमांड में यही कहूंगा कि मेवात मॉडल स्कूल जयसिंहपुर नुहू में जो करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार हो चुका है, पिछले 3 वर्षों से वो बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है, और 3 वर्षों से उसमें ना तो क्लासेस लगाई जाती है ना उसमें स्टाफ नियुक्त किया जाता है, 3 सालों से बिल्डिंग बन के तैयार है। मैंने पिछले विधानसभा में भी ये जो है आपके सदन में इस मामले में आपके समक्ष उठाया था, और शिक्षा मंत्री जी ने 2 बातें उठाई थी, एक में स्कूल में टीचर नहीं थे, एक भी जो है सांस्कृतिक स्कूल में, उसमें टीचर तो कर दिए गए लेकिन इस स्कूल की फिर से अगला सेशन आ गया लेकिन कोई वो नहीं। और इसी तरीके से सर अर्बन लोकल बॉडीज के ऊपर मेरा जो डिमांड है उसमें 2 बातें हैं। नुहू शहर में पानी का मैंने जो है जल भराव के कारण पिछले 2 साल से जल भराव के कारण और फिर कब्रिस्तान का उसका उठाया था, उसके साथ साथ हमारे यहाँ शहीदी पार्क है सर नुहू शहर में, उसमें नेशनल फ्लैग भी लगा हुआ है लेकिन उसके रख रखाव और उसके लिए मैं समझता हूँ उसकी 4 दीवारी भी नहीं रही और उसके रख रखाव के लिए ऐसा जर्जर वो बन गया है किसी चीज का, और प्रशासन उस शहीदी पार्क में 26 जनवरी और 15 अगस्त को पुष्प तो चढ़ाता है लेकिन उसके रख रखाव की है ये दुर्दशा। अगर शहीदों के प्रति हमारा ये सम्मान होगा तो सर इससे कैसे काम चलेगा, मतलब नुहू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के बावजूद ना तो उसमें जल निकासी का प्रबंध किया जाता और रख रखाव की बात है तो शहीदी पार्क की। और इसी तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा रखी हुई है और उस पार्क में वो भी नुहू के मुख्य सड़क पे पार्क है, उस पार्क की भी ये दुर्दशा अर्बन लोकल बॉडीज महकमा जो है किस पैसे को कहां लगाता है सर इस तरीके के, अगर इन स्मारकों को भी हम सही तरीके से इनका रखरखाव नहीं कर सकते तो इनके पैसों का क्या। मेरा आपके माध्यम से तो ये सरकार इन चीजों पर मैंने अभी वो साफ रखा है वो इसके ऊपर अभी मैंने अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करने वाला था कि जो मैंने रखा वो अभी रखा ही नहीं है उसके ऊपर बोलना शुरू कर दिया, रखा नहीं है उसके ऊपर चर्चा हो रही है। हाँ तो जो तो मैंने 23 हाँ जी मैं कह रहा हूँ इसलिए मैं जो रखा है पहले वो पहले आप पास बाद में 23-24 बाद में रखा जाएगा जिसके ऊपर चर्चा हो रही है। ठीक ठीक आप ये प्रस्तुत कर दीजिए जी अभी एक मिनट पहले अभी आएगा अभी आ रहा आप प्रस्तुत कर। हाँ अध्यक्ष महोदय मैं वर्ष 2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमान दूसरी किस्त सेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ। अब इस पर बोलो। माननीय सदस्यगण हाँ जी आप ये कौन सी पास नहीं हुई वो जो पिछले वाली है
ये जो माननीय सदस्यगण अब वर्ष 2019-20 के लिए डिमांड संख्या 8 और 23 को सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा। प्रश्न है कि डिमांड नंबर 8 और 23 पास की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ, डिमांड नंबर 8 और 23 पास हुई। माननीय सदस्यगण वर्ष 2020-21 के लिए डिमांड संख्या 35 को सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा। प्रश्न है कि डिमांड नंबर 35 पास की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, डिमांड नंबर 35 पास हुई। माननीय सदस्यगण अब वर्ष 2021-22 के लिए डिमांड संख्या 7 को सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा कि डिमांड नंबर 7 पास की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ, डिमांड नंबर 7 पास हुई। माननीय सदस्यगण अब माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2021-22 की डिमांड नंबर 23 रह गई है। हाँ जी, 21-22 की, हाँ 21-22 में दो डिमांड थी, आपने एक बोली। माननीय सदस्यगण वर्ष 2019-20 के लिए डिमांड्स 8 और 23 को सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा। प्रश्न है कि डिमांड नंबर 8 और 23 पास की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, डिमांड नंबर 8 और 23 पास हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 19-20 की दोनों पहले पास करा ली है, 20-21 की भी पास करा ली है। 21-22 में दो में से एक पास कराई थी, दूसरी शेष थी, तो मैं 21-22 की सात नंबर कर दीजिए। वो सात नंबर 23 उसमें 23 दो है 21-22 में। 23 21-22 में मेरे पास दो लिखी है, सात ही जी, डिमांड नंबर 7 है, वो 8 और 23 थी। हाँ जी, हाँ जी, 8 और 23 है, 23 जो है 19-20 की है जी। अच्छा, ये समाचार आया कि दिस इज नॉट वोटेड है, नॉट वोटेड ये तो मैं रहा हूँ, दैट इज चार्ज नॉट वोटेड, चार्ज है तो वोट नहीं होना उस पर। ठीक है, धन्यवाद। माननीय सदस्यगण अब माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमान दूसरी किस्त नेवा पोर्टल के लिए प्रस्तुत करेंगे। दिया फिर रखता हूँ अध्यक्ष महोदय, नहीं वो कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय की बात मानूंगा मैं तो नहीं। हाँ ठीक है, चर्चा जो डिमांड्स के ऊपर वो तो मेरा ही नंबर है नहीं। हाँ जी, हाँ स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट कि ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स इनकी क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ये बजट ये सेशन भी इसीलिए बुलाया जाता है, इसकी हार्ड कॉपी देने में क्या इतराज है इस बात के लिए कि हार्ड कॉपी, अब मुख्यमंत्री जी के पास हार्ड कॉपी है, एवरीथिंग इज क्लियर टू हिम, हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं है, नथिंग इज क्लियर। हार्ड कॉपी तो केवल मतलब इसमें देने में क्या, एक 90 कॉपियां छपनी है, क्या दिक्कत वाली बात है? थोड़ा सा नहीं, कोई लेने से क्लियर हो जाता, क्लियर हो जाता है, किस डिपार्टमेंट की कितने पैसे की डिमांड है, किस पे बोलेंगे, पीछे क्यों नहीं मांगा, आगे से क्लियर, कितनी यूटिलाइजेशन कितनी हुई है, हाँ यूटिलाइजेशन कितनी हुई है, तो ये प्रॉपर पिक्चर आती है ना जी उससे, जो कॉपी यहाँ हमने आगे से हार्ड कॉपी दे दिया। ठीक है, पहले एक बताइए रख, थोड़ा सा टेक्निकल है ये, जो चर्चा से पहले एक 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमान दूसरी किस्त पर प्राकलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। माननीय सदस्यगण अब श्री मोहनलाल बडौली विधायक चेयरपर्सन प्राकलन समिति वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमान दूसरी किस्त पर प्राकलन समिति की रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमानों द्वितीय किस्त पर प्राकलन समिति की रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमान दूसरी किस्त पर चर्चा तथा मतदान होगा।
पिछली प्रथा अनुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड्स एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्यगण, किसी भी डिमांड पर चर्चा हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 201 के तहत अनुपूरक अनुदानों पर बहस उन मदों तक ही सीमित रहेगी जिसमें वे बनी हों, और जहां तक विचाराधीन विशेष मुद्दों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो उस सीमा तक मूल अनुदानों पर या उनसे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमांड का नंबर बता दें जिस पर बोलना चाहते हैं। अब विभिन्न डिमांड्स को सदन में मतदान के लिए रखा जाए। पहले चर्चा के लिए ठीक है। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं डिमांड नंबर 17 पे बोल रहा हूँ सर। ये रिगार्डिंग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की है। पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने 25 करोड़ के साथ सभी शहरों में सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कहा कि अपनी अपनी सड़कें बनवाने के लिए एक शीला बाईपास के ऊपर फ्लाईओवर के जाती है, और अधिकारीगण जहां बैठे भी हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, उसका लेवल घरों के लेवल से सड़क से 2 फुट ऊंचा कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर सर, उसको 2 फुट ऊंचा कर दिया गया। 2 फुट ऊंचा करने के बाद जो पानी बारिश का आएगा वो सारे के सारे विशाल नगर में जाएगा, कहीं पर उसका साधन नहीं है इस बात के लिए। तो मैंने इसी हिसाब से भी रिक्वेस्ट की थी, इसका बजट भी उनके पास 77 लाख का पेंडिंग है, तो इस बजट को सैंक्शन कर देंगे तो उनको काफी सुविधा होगी इस बात के लिए। तो मैं डिप्टी चीफ साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 70 लाख का इसको। सेकेंडली, एक तो मैंने विशाल नगर की साइड बता दी, दूसरी है DTM होटल है, उसके साथ में एक नाला जाता है। वो नाला जो है ना जी, उसके अंदर सारे सीवरेज के कनेक्शन है। उस एरिया में कैलाश कॉलोनी, उस एरिया के अंदर कोई सीवरेज की लाइन नहीं डली हुई है एक्चुअली। तो उसका समाधान दिया जाए कि उस स्टॉर्म वाटर जो है, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग अब अभी नियर फ्यूचर के अंदर आप सुखपुरा के ऊपर एलिवेटेड फ्लाईओवर बना रहे हैं, सड़क ऊंचा कर रहे हैं उसको कर रहे हैं, तो पीर महोदी तक ये पानी पहुंचता नहीं है, और वहां पर बारिश जब आती है तो फ्लड की सिचुएशन हो जाती है। इसका निदान करके ये स्टॉर्म वाटर के नाले दोनों एग्जॉस्ट होके और उसको सुखपुरा से क्रॉस करके और इसको पीर बहुजी तक पहुंचने चाहिए ताकि शहर की ये समस्या का समाधान हो सके। इसलिए मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर से इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा। और आपसे ये है कि बताएंगे कि ये तिरियार के सामने की सड़क कब पूरी होगी। इस सड़क को लगता है ग्रहण लगा हुआ है, कभी इतने टाइम में खड्डे सब कुछ थे, मैंने 3-4 बार सवाल उठाया, अब बनी है तो ठीक नहीं बनी हुई है, उसमें वहां पर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक मस्त नगर में एक सड़क जाती है, वो पता नहीं सड़क HVSVP की है या वो PWD की रोड है, ये आपस में फैसला डिपार्टमेंट करेंगे। 5 साल से वो सड़क टूटी पड़ी है, 5 साल से वो सड़क पड़ी है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सप्लीमेंट्री डिमांड के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका ध्यान हमारी तरफ होना चाहिए क्योंकि आपने डिमांड पास करवानी है। नहीं, मैं हमारी तरफ होना चाहिए ना कि वो। तो ये बहुत जरूरी है कि तिरियार के सामने वाली सड़क वो PWD के नीचे आती है, सिंहासन बैंकोट के सामने जो सड़क बोर गांव में जाती है या मसनाथ नगर है, वो 5 साल पूरी हालत है। और वो है उसके बाद सर मैं आऊंगा अब डिमांड नंबर 20 के ऊपर। सर डिप्टी स्पीकर सर, सबसे बड़ी बात है कि डेयरी कम्प्लेक्स का डिमांड्स के अंदर मेरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि जिन जिन डिपार्टमेंट की डिमांड्स होती हैं उन मंत्रियों को हाउस में जरूर बैठना चाहिए। ये जरूरी कि आप मुख्यमंत्री भी हैं और आप साथ में वित्त मंत्री भी हैं, पर जिस डिपार्टमेंट की डिमांड पास होनी है एटलीस्ट उस मंत्री जी को सदन में जरूर होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ की है, चाहे क्या नाम है उसका, अर्बन लोकल बॉडीज की है, स्पोर्ट्स की है, ये कुछ है। इसमें आप भी जानते हैं मुख्यमंत्री जी कि डेयरी कम्प्लेक्स का बड़ा बुरा हाल है, और कब कई टाइम से सुन रहे हैं
कि आप 14 करोड़ रुपए की ग्रांट भेज रहे हैं, बेच रहे हैं, साल डेढ़ साल हो गया, तो वो आपके एजेंडा के अंदर है, तो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस 14 करोड़ की ग्रांट को रिलीज कर दें। उसके साथ ही आपने अक्सर पहले विजिट किया होगा, अब तो नहीं विजिट किया होगा, हमारे कच्चा बेरी रोड का बहुत बुरा हाल है। डेयरियाँ आपने देखी हुई हैं, सामने उनके आउटरी देखा हुआ है, कम्युनिटी सेंटर भी देखा हुआ है, वहाँ से डेयरियों का पानी आता है और समस्या का समय आपने फ्लाईओवर तो बना दिया, उसके ऊपर बना दिया, पर नीचे वालों की व्यथा जो है ना जी, वो ठीक नहीं हुई इस साल में, उसका नाले का समाधान। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी जो पुराना बस स्टैंड होता था, अब वो HSBP की जगह है, वहाँ पर आपने जो रात को यात्री रुकते हैं उसके लिए एक जगह छोड़ी थी, पुरसी जगह पार्क बन गया, और नाले को नाला वहाँ से 90 एंगल पे उस पार्क के अंदर मुड़ जाता है, और कमेटी ने वहाँ पार्क बना दिया, नाले को बंद कर दिया। मैंने रिक्वेस्ट की उनसे, मैंने कमिश्नर से भी इस बात के लिए कहा कि या तो पार्क को खत्म करके इस नाले को ओपन करो या नया नाला निकालो, सो दैट वो अगर नाला चल गया, ओपन ड्रेन चल गई, तो डेयरियों की समस्या भी खत्म हो जाएगी, कच्चा बेरी रोड की समस्या खत्म हो जाएगी, वो सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए पैसे सेंक्शन करके और उनको कहें पीड़ में अपना अर्बन डेवलपमेंट को कि भाई वो नाला जरूर पुराने बस स्टैंड के साथ में कम्युनिटी सेंटर आगे थाना पड़ता है वहां तक उसको ले जाए सर, वो बहुत आपकी मेहरबानी होगी, उस एरिया का स्लम खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। गुरचरण वाली सड़क सी थी, बिल्कुल बिल्कुल, गुरचरण से आगे आ जाओ दशवेश नगर पड़ता है और लेफ्ट में गली डेयरियों के ऊपर उसमें चली जाती है, आपको एरिया का पता है, आपने देखा हुआ है, उसी का आपने अभी एलिवेटेड फ्लाईओवर का भी उस पर इनॉग्रेशन किया है, कच्चा बेरी रोड पार्क का। और एक बहुत चिंता का विषय है कि पिछले दो महीने से भी ज्यादा हो गए हैं, पता नहीं सरकार को क्या कहाँ परेशानी आ रही है, कुछ ही है कि रोहतक स्लम हो गया है, गार्बेज उठ ही नहीं रहा है, गार्बेज के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है या क्या उसको, उसके एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी शॉर्ट टर्म दिया जा सकता है कि साथ साथ सारा का सारा जो गार्बेज है वो टाइम से उठाया जाए और सफाई व्यवस्था सबसे अच्छी हुई। बट एक आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, काइंडली मैंने अपना कमेटी की अश्योरेंस की कमेटी की मीटिंग भी थी, उसमें भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि इसको राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम जो 108 एकड़ में बनाया सुंदर बनाइए, इतनी बड़ी अपनी प्रांत की धरोहर है, अब देखो कि वहाँ तो ट्रैक ठीक नहीं है, हॉकी का ट्रैक ठीक नहीं है, कबड्डी प्लेयर्स का नहीं है, आप हरियाणा के प्लेयर्स पैदा होते हैं, मेडल हम लेके आते हैं, सब कुछ लेते आते हैं, हाँ जी राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम, इसको बेशक डिमांड नंबर 20 ही है ना, सारे बीएस में इकट्ठे हैं जी, नगर एंड ग्राम योजना, HVSP 20 में सारी इकट्ठी है जी, इकट्ठी है सर, नगर एंड ग्राम आयोजना, शहरी संपदा, स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकार, विकास, ग्राम एंड पंचायत, जन स्वास्थ्य, सारी इकट्ठी है। अब कंक्लूड कर रहा हूँ जी सर, कोई ऐसी बात नहीं उसमें, और ये वाला स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सुंदर बनाएं, चार्मिंग बनाएं, और साथ में यहाँ पर पहले साइज से बॉक्सिंग का है, इसको और बढ़िया बनाएं, बहुत एक बहुत जरूरत है इसमें, और जो पहले इन्वेस्टमेंट इतनी पिछली सरकार ने की वो वेस्ट ना जाए किसी हालत में, इसको अच्छा बनाने के लिए पैसे दें। आखिरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है इस बात के लिए आखिरी, और ये सारे प्रांत के लिए इस बात में लिया है, ऑनरेबल CM साहब, शहर में प्रत्येक शहर में हर एक जगह, मैं कोई फ्लेक्सिस की बात नहीं कर रहा, मैं कोई होर्डिंग्स की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी के होर्डिंग्स की बात नहीं कर रहा, जो पिलर्स हैं, पुल हैं, नहर के पुल हैं और एलिवेटेड हैं, सबके ऊपर पोस्टर काजी जाते हैं, और वो पोस्टर चार 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 सारा शहर गंदा लगता है, इतना गंदा लगता है, चौराया आ गया, कोई ट्यूशन सेंटर है सारा का सारा भर दिया, कोई नई दुकान खुल रही है सारा का सारा चौक भर दिया, वो ना उतरते हैं, आप वहां पर मुलर पेंटिंग तो करवाते हो पर उसके बाद उनका बुरा, इतना बुरा हाल है कि सिर्फ मैं रोहतक की बात नहीं कर रहा, सारे प्रांत की पोस्टर जो फिक्स करते हैं, अनऑथराइज बिल्डिंग, कॉलेज, स्कूल की बिल्डिंग, DC ऑफिस और है करते हैं, उनके ऊपर पैनल एक्शन होना चाहिए, उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके चालान होने चाहिए, सुधरता की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो मेरी धन्यवाद करेंगे मुख्यमंत्री साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम कुमार गौतम जी,
डिमांड नंबर 17 का आपने दिया, 17 पे बोले। डिमांड नंबर 17 पे मुझे ये कहना है कि जितनी सड़कें हैं जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड बना रहा है, 17 में है जी, जितनी भी सड़कें बना रहे हैं, पब्लिक वर्क्स बिल्डिंग एंड रोड्स जो सुधार कर रहे हैं, तो भी मैंने पूछा वे क्या बात है, तारकोल क्यों नहीं इसमें लगा रहे, कहते हैं जी तारकोल वाली सड़कें नहीं, तो टेम्परेरी बनाई जाती है, अगर कोई एक बड़ा सा भी गड्ढा टप गया तो समझो सड़क खराब, फिर मकैनिक का क्या बनाने का फायदा, कहते हैं जी फिर आप पीडब्ल्यूडी रोड से बनवाओ, लगभग 8-9 सड़क हैं जो इस वक्त बनने की, उसमें कुछ एक आध गैर शुरू कर रखी है, बाकी अभी शुरू नहीं है, और जो पीडब्ल्यूडी की भी सड़कें हैं जो शुरू कर रखी हैं उनमें भी लगभग 2 महीने से तो पाड़ रखा, 1.5 महीने से नारनौंद में ही अभी वो काम नहीं शुरू कर रखा है, और सारी सड़कों पर किसी पे भी आपने मंजूर करी बता रहे हैं लेकिन काम शुरू नहीं है अभी तक, और काम जो जहां शुरू है वहां भी कोई बढ़िया काम नहीं हो रहा। दूसरा मुझे पता लगा, मुझे खबर दी थी एक्सचेंज ने कि जी आपकी जीन से और हांसी की सड़क दोबारा से मंजूर होगी वो ठीक करने के लिए, चलो वो काम शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सड़क है जी इस वक्त वो जीन से कैथल है, वहां से हमने जाए आज लगभग 3.5-4 साल हो गए जी, बिल्कुल खत्म सड़क हो रही है, एक हमारी जीन से सफेदों की सड़क है वो बिल्कुल काम की नहीं, खड़े खड़े पड़े हैं जी, तो जीन से पानीपत तक भी यूं समझो, यहाँ आप MLA हो जी, सब जगह मुख्यमंत्री हो, और हमारे यो दुष्यंत तो ये तो बड़ा नेता गण की कोशिश में है, बड़ा बन भी गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया, आप उस पे बोलो डिमांड पे देना चाहिए, किसी का इलाका है सारा, चाहे जो पी लू मेरा चाहे पीने के लक्षण तो कोई नहीं, इसके मैं करपक करूं कैसे, मैं तो इस दिन आप वाली कुर्सी बिठाऊ था, इसका तो 2 लाख चाहिए, इसलिए मैं कहां से लाऊं इसकी जाकर, ठीक है जी। खैर चलो, मेरा कहने का मतलब ये है कि जी सड़कों की तरफ विशेष ध्यान दो, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड पे या तो स्पेसिफिकेशन चेंज कर दो, वो कह रहे जी स्पेसिफिकेशन PWD वाली करवाओ, नहीं तो उनसे लेके सारी PWD पे बनवा दो, मेरा आपसे आग्रह है। ठीक है जी। श्री SS गोगे जी 20 नंबर पे।